साल 2021 लिटिल वंडर से छा जाने वाला है। इस ईयर की शुरुआत पैंडेमिक के डर से हुई थी, बट अभी ईयर की एंडिंग ढेर सारी खुशखबरियों से भरी है। इस पैंडेमिक के बाद बहुत सारी बॉलीवुड और टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस ने शादी की, कई घर में नए मेहमानों की किलकारी गूंजी, तो कई कपल्स ने अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबर फैंस के साथ शेयर की। आज यानी 7 नवंबर 2020 को इश्कबाज एक्टर नकुल मेहता ने अपने फैंस के साथ एक बड़ी खुशखबर शेयर की। एक्टर नकुल मेहता और उनकी वाइफ और सिंगर जानकी पारेख ने भी अपनी प्रेगनेंसी की खबर फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की। एक्टर नकुल मेहता और जानकी पारेख 8 साल पहले शादी कर पवित्र रिश्ते में बंधे थे और शादी के 8 साल बाद वो अभी पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। नकुल मेहता ने एक प्यारा सा वीडियो अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है, जिसमें उनकी और जानकी परेख के साथ का जिंदगी का सफर उन्होंने वीडियो में फोटोज के जरिए दिखाए हैं। और इस वीडियो को शेयर करते हुए नकुल मेहता ने प्यारा सा कैप्शन लिखा है। वो लिखते हैं, बेस्ट फ्रेंड लेस देन द गर्लफ्रेंड लेस देन मिस अस लेस देन ये प्यार सर्कल ऑफ लाइफ एंड देन सम मोर अवेक हम बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में नकुल ने उनकी पहली मुलाकात को जब वी मेट लिखते हुए ये क्लिक शेयर की, बाद में उनकी बेस्ट फ्रेंड की जर्नी दिखाते हुए ये फोटो शेयर की। आगे उन्होंने हाउस पार्ट की भी एक क्लिक फैंस के साथ शेयर की। नेक्स्ट फोटो में नकुल मेहता उनके मरीन ड्राइव वाली प्रपोज वाली क्लिक शेयर करते हुए दिखे। एंगेजमेंट फॉर द लाइफ लिखते हुए उन्होंने ये फोटो शेयर की। एंगेजमेंट के बाद शादी की ये फोटो भी नकुल मेहता ने उनकी ये वीडियो में शेयर की। आगे नकुल मेहता ने ये क्लिक शेयर करते हुए लिखा, एंड देन दिस हैपन, और आगे के पिक्चर में लिखा, जानकी ने कहा कि यू आर गोइंग टू बी अ डैडी, और उस दिन की एक तस्वीर भी शेयर की जहां कपल हैप्पी सेल्फी लेते हुए खुश दिखाई दिए, और फिर जानकी पारे की बेबी फ्लॉन्ट वाली तस्वीरें शेयर की जिसमें ये कपल बहुत ही प्यारा लग रहा था। जानकी पारेख ने भी उनके सोशल मीडिया पे ये फोटो शेयर करते हुए क्यूट सा कैप्शन लिखा। वो लिखते हैं, हमारा क्वारंटाइन बोरिंग नहीं था, हमारे जीवन का यादगार टाइम आने वाला है और हम इसका इंतजार नहीं कर सकते, हमारा सबसे बढ़िया एडवेंचर शुरू होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।